हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयर निधि। तो आज मैं आपके लेके आई हूँ कुछ ऐसे इंस्टाग्राम स्टोर से ज्वेलरीज वगैरह जो मैं ज़्यादातर परचेज करती रहती हूँ। सो मोस्टली मैं अगर अपनी ज्वेलरीज बाय करती हूँ तो या तो वो मैं अपनी सरोजिनी जनपद से लेती हूँ या फिर मेरे पास कुछ इंस्टाग्राम स्टोर्स हैं जिनसे मैं बाय करती रहती हूँ। तो एज़ यू ऑल नो, फेस्टिव सीजन आने वाला है, नवरात्रा गरबा का सीज़न आने वाला है। अगर आपको ज्वेलरी का ज़्यादा शौक है, मेतरे जंक ज्वेलरी का ज़्यादा शौक है या कुछ सेटिंग पीसेस का ज़्यादा शौक है, तो आप इन इंस्टाग्राम स्टोर्स को चेकआउट कर सकते हो एंड अफोर्डेबल एंड बहुत अच्छे अच्छे यूनिक पीसेस भी ले सकते हो। सो मैं स्टेट करने वाली हूँ यहाँ पे कुछ इंस्टाग्राम स्टोर्स जहाँ से मैंने पहले सामान लिया है। एंड मेरे पास ये बक्से हैं आपको दिखाने के लिए कि मैंने काफ़ी सारा सामान लिया हुआ है। एंड मोस्टली आपने ये सब सामान देखा होगा एंड कुछ कुछ नहीं भी देखा होगा। तो लेट मी शो इट वन बाय वन टू यू कि मैं कौन कौन से इंस्टाग्राम स्टोर्स के बारे में बात कर रही हूँ एंड कौन कौन सी ज्वेलरी मैंने कहाँ से ली है, विच आर द इंस्टाग्राम स्टोर्स विच आर अफोर्डेबल एंड कहाँ पे आप बहुत ही यूनिक पीसेज मिल सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंस्टाग्राम स्टोर दैट आई वॉन्ट टू गिव अ शाउट आउट इज द हैप्पी मम। अगर आपके पास सरोजनी जनपद नहीं है पास में तो आप ऑनलाइन भी चीज़ें मंगा सकते हो एंड दिस इज़ द स्टोर हैप्पी मम। वो आपको सब चीज़ें डिलीवर करेंगी एंड येट दीज आर सो अफोर्डेबल, इतने ज़्यादा अफोर्डेबल इनके प्राइसेज हैं। एंड जो भी आपको सरोजनी वगैरह में मिलता है, जो भी आपको जनपद वगैरह में मिलता है, इंक्लूडिंग द यूनिक पीसेज जो आप सरोजनी वगैरह में नहीं ढूंढ पाओगे, जो जनपद वगैरह में नहीं ढूंढ पाओगे, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। लेट मी शो इट वन बाय वन टू यू कि मैंने वहाँ से क्या क्या लिया है एंड मैं आपको बोलूँगी कि आप भी जाके वहाँ पर ट्राई आउट कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे पीसेज हैं। हैप्पी मम मोस्टली ऐसे बॉक्सेस में डिलीवर करते हैं, दीज आर द प्लास्टिक बॉक्सेस एंड यहाँ पे उनका ऐसे लोगो वगैरह होता है, तो इस तरह से वो ऐसे डिलीवर करते हैं एंड आई हैव गॉट सो मेनी पीसेज फ्रॉम देम एंड मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं उनके पीसेज। सो द वेरी फर्स्ट पीस विच आई वुड लाइक टू शाउट आउट एंड ये उनका बहुत ही ज़्यादा फेमस पीस भी है एंड दिस इज कॉल्ड एज नज़ाकत चोकर, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ हैप्पी मम। सो दिस इज़ द नज़ाकत चोकर। अगर आपको बिल्कुल ऐसे मिनिमलिस्टिक चोकर वगैरह पसंद है एंड आपको ज़्यादा से भरे भरे नहीं पसंद है चोकर्स, आपको बहुत ही मिनिमल ज्वेलरी पसंद है, ज़्यादा आपको तामझाम नहीं पसंद है, सो यू कैन गो टू दीज काइंड ऑफ चोकर्स। ये उनका बेस्ट सेलिंग चोकर है, काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है, यू कैन सी बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, काफ़ी पिटीट सा इसका डिज़ाइन है एंड ऐसा डिज़ाइन मैंने कहीं और नहीं देखा था, मैंने इनके पास ही देखा था। सो आई गॉट दिस ब्यूटिफुल चोकर। द सेकेंड नेक पीस विच आई वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट एंड मैंने अभी रिसेंटली अपनी एक फेस्टिव शॉर्ट्स बनाई थी एंड उसमें मैंने ये स्टाइल किया था एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मिरर चोकर। इफ यू कैन सी दिस चोकर इज द वन जो आपके सभी आउटफिट्स के साथ चला जाएगा। अभी आपका गरबा सीजन आने वाला है, आप चनिया चोली वगैरह के साथ पहनो, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगने वाला है एंड बहुत ही तरीके से आप उसको स्टाइल कर सकते हो, शर्ट्स वगैरह के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वेज में आप उसको स्टाइल कर सकते हो एंड आई रियली लाइक द क्वालिटी। आप क्वालिटी वगैरह भी देखोगे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है एंड येट दे आर सो मच अफोर्डेबल। मोस्टली अपनी सारी ज्वेलरी जैसे पैकेट्स में ही स्टोर कर रखती हूँ। अगर मेरे पास कोई ऐसे ट्रांसपेरेंट पॉली बैग पड़े हुए हैं तो मैं उसको रीयूज कर लेती हूँ एंड आई कीप माई ज्वेलरी इन दिस सो दैट कि मेरी ये ज्वेलरी बची रहे, इधर उधर ना जाए और ख़राब ना हो। सो दैट्स वाई आई डू लाइक दैट। नेक्स्ट चोकर पीस विच आई वुड लाइक टू रिकमेंड इज दिस वन एंड ये तो इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था बीच में, आई थिंक ये अभी पॉपुलर है नहीं है, बट दिस इज द परफेक्ट फॉर द गरबाज एंड ऑल दैट एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब अगर आपको ऐसे भरे भरे चोकर्स पसंद है तो यू कैन जस्ट डेफिनेटली गो फॉर दिस। भी वगैरह में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इनकी एंड जो भी मैंने पीसेस इनसे लिए हैं ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं एंड आई डेफिनेटली लव दिस। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला डब्बा आता है, इसमें मेरे पास मोस्टली कड़े वगैरह हैं जो मैंने इनसे परचेज किए हैं। सो लेट मी शो इट वन बाय वन टू यू मैंने क्या खरीदा है इनसे। तो सबसे पहले मैं आपको शो करती हूँ ये वाले बैंगल्स। अगर आपको ऐसे घुंघरू वगैरह बैंगल्स लेने हैं, आपको किसी सूट सेट वगैरह के साथ डालने हैं, ये ऐसी नॉर्मल कॉलेज वगैरह में आपको ऐसे थोड़ा सा एथनिक लुक क्रिएट करना है तो उसके लिए काफ़ी अच्छे हैं एंड बहुत हल्के भी हैं एंड ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाते हैं। सो दिस आई रियली लाइक एंड इसमें कुछ ऐसे तामझाम भी नहीं है एंड काफ़ी हल्के हैं, यू कैन जस्ट वेयर विद एनी आउटफिट। द नेक्स्ट टू बैंगल्स विच आई गॉट फ्रॉम देम, मुझे ये भी बहुत अच्छे लगे थे एंड मैंने इसको स्टैक किया था अपने कलरफुल बैंगल्स के साथ। तो इफ़ यू हैव सीन मी इन द शॉर्ट्स एंड ऑल दैट तो आपने देखे होंगे ये वाले कड़े, ये काफ़ी अच्छे कड़े हैं एंड आप ये इस तरह से खुल जाते हैं, इस तरह से ओपन मैकेनिज्म, काफ़ी हल्के हैं, ज़्यादा भारी भी नहीं है एंड बहुत आप आराम से इसको ईजिली कैरी कर लोगे एंड बहुत ही अच्छी इनकी क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है, मोस्टली आपके सारे आउटफिट्स के साथ चली जाती है एंड अगर आपको ऐसे ऑफिस वगैरह में भी पहन के जाना है, सिंपल एक कड़ा ही पहन के जाना है, इफ़ यू लव स्टैकिंग भी कर सकते हो, बस आप एक सिंगल कड़ा भी पहन के जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा आपके हाथ में एंड ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपके हाथ में ऐसा तामझाम सा पहन रखा है, आराम से काम भी कर लोगे। अगर आपको काम भी करना है, ऑफिस वगैरह काम करना है, कहीं जा रहे हो उसमें काम करना है, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत भारी भरकम कुछ पहन लिया है हाथ में। सो
आई एम डेफिनेटली रिकमेंडिंग फॉर दैट पर्पज. बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ये वाले बैंगल्स. नेक्स्ट कड़ा विच आई वुड लाइक टू रिकमेंड इज देयर एलिफेंट कड़ा. एंड मैंने यहाँ से दो एलिफेंट कड़े लिए हैं. पिटीट कड़ा, ये एकदम स्टेटमेंट पीस है. एंड ये इस तरह से यहाँ पे एक ओपनिंग मैकेनिज्म है. आप यहाँ से इसको ओपन करो एंड फिर आप इसको पहन सकते हो. बहुत ही अच्छा कड़ा है. इसके साथ मैंने एक और एलिफेंट कड़ा मंगवाया था. लेट मी शो दैट ऑल्सो टू यू. इस कड़े को आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह से है. ये कुछ इस तरह से इसमें एलिफेंट्स वगैरह बने हुए हैं. एंड इसका ओपनिंग मैकेनिज्म बहुत ही डिफरेंट सा है. आपको इस तरह से निकालना है एंड ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है. एंड देन आप क्लोज करना है तो आप इस तरह से इसकी पिन को इसके अंदर इंसर्ट कर दोगे. सो दिस विल क्लोज लाइक दिस. तो ये काफ़ी अच्छा मुझे कड़ा लगा था. एंड ये भी काफ़ी स्टेटमेंट पीस है. तो ये तो था मेरे कुछ परचेजेस जो मैं आपको रिकमेंड कर रही थी हैप्पी मम स्टोर से. सेकंड इंस्टाग्राम स्टोर विच आई वुड लाइक टू शाउट आउट इज दिस देसी तत्वा. ये एक ऐसा इंस्टाग्राम स्टोर है जहाँ पे आपको थोड़ी सी कॉस्टली ज्वेलरी मिलेगी बट आपको बहुत ही यूनिक एंड बहुत ही अच्छे पीस मिलेंगे. अगर आपको इन्वेस्ट करना है काफ़ी अच्छी सिल्वर ज्वेलरी में, काफ़ी अच्छी अफगानी ज्वेलरी में आपको इन्वेस्ट करना है, सो यू कैन गो फॉर देसी तत्व इंस्टाग्राम स्टोर. बहुत ही अच्छा इंस्टाग्राम स्टोर है. सो दिस इज द स्टेटमेंट कड़ा. इफ यू कैन सी आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है. काफी अच्छा लगा इस मिस्टर से. बीड्स वगैरह लगे हुए हैं एंड इसका ओपनिंग मैकेनिज्म काफी अच्छा है. इसको आप इस तरह से खींचोगे एंड दिस विल ओपन लाइक दिस एंड आप इसमें हाथ क्लच कर लो एंड देन यू हैव टू जस्ट इस पिन को इस तरह से इंसर्ट कर देना है एंड यू जस्ट गुड टू गो. मुझे काफ़ी अच्छा लगा. दीज आर बिट कॉस्टली बट आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की अगर आपको ज्वेलरी लेनी है तो यू कैन जस्ट गो ब्लाइंडली विद देम. एंड अगर मैं और इंस्टाग्राम स्टोर से भी कंपेयर करूँ जो प्रीमियम ज्वेलरी बेचते हैं तो उनसे अगर मैं कंपेयर करूँ देसी तत्व को, सो स्टिल दे आर ऑन द अफोर्डेबल साइड ओनली. उनकी अफोर्डेबल साइड ही है एंड बहुत अच्छी प्रीमियम ज्वेलरी है. सेकेंड ज्वेलरी पीस विच आई गॉट फ्रॉम देसी तत्व, ये थोड़ी अच्छी आप कह सकते हो एकदम फेस्टिव, एकदम वेडिंग अप्रोप्रिएट काइंड ऑफ ज्वेलरी है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्यूटीफुल सेट. इसमें कुंदन का आप काम देख रहे हो. इसमें डिफरेंट डिफरेंट बीड्स हैं. यहाँ पे मोती हैं, थोड़ा सिल्वर वर्क भी है. एंड दिस इज द मल्टी चोकर यू कैन से. एंड आप इसको किसी भी आउटफिट के साथ पहन लोगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा. पीछे से कुछ इस तरह से है. इसमें इस तरह से आपकी बांधने की थ्रेड वगैरह दी हुई है. बहुत ही अच्छी प्रीमियम क्वालिटी है. इनके जो नग वगैरह यहाँ पे कुंदन के लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, प्रीमियम क्वालिटी में है. यहाँ पे ऐसे घुंघरू वगैरह लगे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगते हैं जब उसको पहनोगे. इसके साथ मेरे को दो इयररिंग्स मिलते हैं. लेट मी शो दैट टू यू. इस तरह से दो स्टड्स काइंड ऑफ आते हैं. ये काफ़ी हल्के हैं बिकॉज चोकर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हैवी है. सो आपके जो कानों के इयररिंग्स हैं वो थोड़े से आपको हल्के मिलेंगे. एंड दिस इज एक्चुअली बैलेंसिंग आउट योर स्ट्रक्चर. आपके कानों से लेके सर तक का पूरा हिस्सा बैलेंस आउट करता है. इन इंस्टाग्राम स्टोर की एक खासियत है कि इनके पास यूनिक यूनिक पीसेज होते हैं एंड बहुत ही अच्छे अच्छे पीसेज होते हैं. एंड आप इनके अगर इंस्टाग्राम स्टोर को चेकआउट करते रहोगे तो आपको इसमें रोज ही आपको कुछ ना कुछ नए नए डिज़ाइन एंड अपडेट मिलते रहेंगे. एंड आप चेकआउट कर सकते हो आपको कौन सा लेना है प्राइसेस के हिसाब से, जैसे आपको लेना है आप देख सकते हो. सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट आइटम विच आई वुड लाइक टू रिकमेंड हेयर. एंड ये चोकर तो मेरा इतना ज़्यादा हिट हो चुका है पहन पहन के एंड लोग इतना पूछ चुके हैं इसके बारे में. सो आई एम शोइंग दैट चोकर टू यू. कुछ इस तरह से पन्नी, ये कुछ इस तरह से पन्नी में आया था. मैं इसको इसी पन्नी में रखती हूँ. एंड दिस वॉज माई फर्स्ट बाय फ्रॉम देसी तत्वा. एंड मैं एक्चुअली इस चोकर को ढूंढ रही थी. मैंने ये चोकर पता नहीं कहीं देखा था जब डिज़ाइन आए थे एंड फिर मैंने काफ़ी इंस्टाग्राम स्टोर्स पर चेक किया था. इवन आई चेक इन जनपद ऑल्सो. मेरे को जनपद में बिल्कुल ऐसी क्वालिटी का नहीं मिला बट आई गॉट इन देसी तत्वा इन अ वेरी बेटर प्राइस. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस महारानी ह्यूज चोकर, ह्यूज अफगानी चोकर जिसमें इतने सारे कलर्स वगैरह हैं. एंड ये इतना प्रिटी लगता है ना जब आप पहनते हो. जिसकी गर्दन थोड़ी सी लंबी वगैरह है, अगर यहाँ पे आपके काफ़ी ज़्यादा लंबापन है जैसे मेरी गर्दन भी थोड़ी सी लंबी है तो उसके ज़्यादा अच्छा लगेगा. बहुत ही यू नो बहुत ही प्रिटी सेट है ये. एंड इसमें इस तरह से बिल्कुल पूरा जाल ऐसे बिछा हुआ है यू कैन सी. एंड किसी भी आउटफिट के साथ आप पहनो, किसी भी वेस्टर्न आउटफिट के साथ पहनो, किसी भी इंडियन आउटफिट के साथ पहनो, साड़ी के साथ पहनो, किसी के साथ भी पहनो, ये बहुत अच्छा लगता है. सिल्वर गोल्डन दोनों टोन है तो सबके साथ जाता है. मैंने इसको बहुत बार पहन चुकी हूँ एंड आई एम डेफिनेटली लविंग दिस पीस. एंड मैंने इसके पैसे बिल्कुल वसूल कर लिए हैं एंड मैं पूरे पैसे वसूल कर लूँगी इसके, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. सो दिस कम्स टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप आपको मेरी कुछ ये रिकमेंडेशंस पसंद आई हो. एंड डू चेक आउट देयर इंस्टाग्राम पे, उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हो. और भी डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन आप उनके साथ चेकआउट कर सकते हो. काफ़ी अच्छे इनके पास पीसेज रहते हैं एंड दे आर वेरी नाइस इन टॉकिंग एंड एवरीथिंग. सो आप इनसे बात करो, आपको जो लेना है वो ले सकते हो. And if you're not following me on Instagram, do follow me also. And we will be meeting next time. Tab tak ke liye, bye bye.